नमस्कार, यम्मी पकवान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बेसन मिल्क बर्फी। उसके लिए हमने ले रखा है इसी कटोरी से 3 कटोरी बेसन, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी मिल्क पाउडर। हमने पतंजलि का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 8 से 10 हमने इलायची ले रखा, इसको हमने दरदरी कूट लिया है। 6 से 7 हमने बादाम ले रखा, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। 8 से 10 हमने पिस्ता ले रखा, इसको भी हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, जलाते हैं गैस। गैस हमने जला दिया है, कढ़ाई हमने रख दिया है। अब हम डालेंगे बेसन, पहले हम घी नहीं डाल रहे हैं। इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा। बिना घी का हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे, फिर उसके बाद हम घी डालेंगे इसमें। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें घी डालेंगे। गैस हमारी बिल्कुल धीमी जल रही है। हमने 3 चम्मच घी डाल दिया। अगर हम पहले घी डाल देते तो भूनना थोड़ा मुश्किल होता। इस करके हम बाद में डाल रहे हैं कि आसानी से हमारा बेसन भून जाए अच्छी तरह। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, बेसन हमारा अच्छी तरह भून गया है। घी भी हमने इसमें 6 से 7 चम्मच डाल दिया है। अब हम गैस कर देंगे बंद, इसको हम रखेंगे साइड में थोड़ा सा ठंडा होने को। पर हम छोड़ेंगे नहीं, कढ़ाई गर्म है तो हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर। बेसन हमारा ठंडा हो रहा है, अब हम इधर चाशनी बना लेंगे। हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। इसमें 3 हिस्सा पानी डाला है, 1 हिस्सा हमने खाली रखा है ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। उधर चाशनी हमारी पक रही है, अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, गैस हमने नहीं जलाया है, इसको हम बाहर ही मिला रहे हैं। 1 कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया था, इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह। जो मिल्क पाउडर वाली मिठाई बनानी है, इसमें ज़्यादा बेसन को नहीं भूनना है। बस कच्चापन दूर हो जाए, अच्छी तरह खुशबू आने लग जाए, तब तक हमें भूनना है बस। अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। साथ ही हमने जो दरदरी इलायची कूट रखा था ये हम डाल देंगे। हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। पहले उधर चाशनी हमारी तैयार हो रही है। हमने अच्छी तरह मिल्क पाउडर को मिला लिया है, इलायची भी मिला लिया। अब हम चाशनी की तरफ चलते हैं। चाशनी भी हमारी तैयार है, इसको हमें 1 उंगलियों से ऐसे करके देखना है। बहुत अच्छी चाशनी बनी है। अब गैस हम बंद कर देंगे, चाशनी को हम रखेंगे साइड में। अब हम थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालेंगे इसी में। अभी गैस हमने बंद कर रखा है, अच्छी तरह मिला देंगे। देख सकते हैं डो हमारा तैयार है बर्फी जमाने के लिए। उधर थाली हमने ग्रीस करके रख लिया है, उसमें घी लगा दिया। अब हम इसको निकालेंगे थाली में जमाने के लिए। अच्छी तरह फैला देंगे, मोटी पतली जैसे बर्फी जमाना चाहते हैं वैसे आप जमा सकते हैं। सारी बर्फी हमने काट लिया है, बर्फी हमारी ठंडी हो गई, हमने पीसों में काट लिया है। अगर आप लोग इसी नाप से बनाएंगे 3 कटोरी बेसन, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी, तो बहुत परफेक्ट बर्फी बनेगी। हलवाई की बर्फी फेल है, आप लोग ऐसे ज़रूर बनाएँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।